ये मेरे पास iPhone 7 है, जो ऑन करने के बाद एप्पल लोगो पे ही अटक जा रहा है। तो इसमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर रिप्लेस करना होगा। सॉफ्टवेयर रिप्लेस करने के लिए आईटून्स होना चाहिए और IPSW फाइल होना चाहिए। ये देखिए, ये एप्पल लोगो पे ही अटका रहता है। तो सबसे पहले हमको अपने पीसी पे जाकर आईटून्स और IPSW फाइल डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आईटून्स आप डाउनलोड कर लीजिए, और IPSW डाउनलोड करने के लिए iPhone 7 IPSW सर्च करेंगे और यहाँ जाएंगे अपने फर्स्ट वेबसाइट पे। और यहां से डाउनलोड करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड बटन में मेरे पास पहले से डाउनलोड किया हुआ है ही, ये हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। ये रहा मेरे पास iPhone 7 का IPSW फाइल। तो अब इसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड आईफोन में सॉफ्टवेयर रिफ्रेश करने के लिए आईटून्स ओपन करेंगे और इस फ़ोन का बैटरी पहले रिमूव करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बंद हुआ नहीं। तो ये पहले बैटरी रिमूव किए, फिर लगाएं बैटरी और वॉल्यूम डाउन की। ये इसका वॉल्यूम डाउन की और प्रेस करके रखना और डाटा केबल कनेक्ट करना, जिससे ये रिकवरी मोड में जाएगा। ये देखिए, ये चला गया रिकवरी मोड में। डॉन डाउनलोड करना है, ये सब नहीं करना है। स्टॉप ये कैंसिल करेंगे पहले, फिर ये फोन आया। अब शिफ्ट बटन क्लिक करके रखना है, शिफ्ट बटन। ये हम कीबोर्ड ऑन किए अपने आपको दिखाने के लिए। आप डायरेक्ट ही कीबोर्ड के शिफ्ट बटन से की प्रेस करके रिस्टोर पे आईफोन पे क्लिक करना है, और यहाँ 7 iPhone 7 का ये फाइल है, क्लिक करना है इसको मिनिमाइज और रिस्टोर। अब इसमें टाइम लगेगा, तब तक होने देते हैं।